बहनों भाइयों, देवियों सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर शरद जेटली न्यूयॉर्क से अपनी कार्डियो 360 वीडियो सीरीज लेके फिर हाजिर हूँ। मुनी मीटर हेल्थ फेसबुक और munimeterhealth.com जो हमारा वेबसाइट है, यूट्यूब पर आपके लिए एक नया विषय आज चर्चा करने के लिए। तो आइए देखिए munimeterhealth.com के आज के वीडियो की जो है डिस्कशन, पाँव पे सूजन क्यों और कब होती है। ये अक्सर एक कारण रहता है जब आप जो हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई पाँव पे सूजन आ गई या आई थी या दिन में आ जाती है जब खड़ा ही रहता हूँ या खड़ी रहती हूँ बहुत देर तक वगैरह वगैरह। तो अक्सर जो है ये एक लक्षण जो है इंडिपेंडेंट रहता है, यानी अपने सिर्फ अपने आप ही जो है और दूसरे कारण नहीं होते जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सिर्फ पाँव की सूजन के कारण से ही जाते हैं। तो अधिकतर वो कारण जो है ना काफ़ी जो है महत्व का होता है। तो आप जब जाएं तो उस वक्त जो है आपके लिए डिस्कशन जो है, आपके लिए जो चर्चा होगी वो कुछ टेस्ट डॉक्टर करेंगे या कुछ आपसे पूछेंगे सवाल जवाब। तो आपको ये हाजिर एक हौसला होना चाहिए, एक आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन पहले से ही होनी चाहिए कि ताकि आप आसानी से डॉक्टर से डिस्कस कर सकें और अगर सवाल या ये ना पूछे हो तो आप खुद पूछ भी सकते हैं डॉक्टर से। तो पहला कारण जो मैं आपको तो मालूम है, मैं तो हृदय तज्ञ हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पर करीब 35 साल से न्यूयॉर्क में, और मेरा अधिकतर तजुर्बा जो है ये हार्ट के संबंधित ही रहा है। तो हार्ट फेलियर जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है। तो हार्ट फेलियर तब होता है जब ये देखिए आप ये झांकी लेफ्ट में ऊपर में देख रहे हैं, तो हार्ट में चार चेंबर्स होते हैं मगर ये बूस्टर चेंबर जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये फेल कर जाता है तो ज़्यादातर अधिकतर उसको हार्ट फेलियर कहा जाता है। हालांकि फोर चेंबर फेलियर भी होता है और बाय वेंट्रिकुलर फेलियर भी होता है जिसमें राइट वेंट्रिकल भी फेल हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल तो पहले से ही फेल होता है। तो जब ये दोनों फेल हो जाते हैं मतलब फंक्शन इनके कम हो जाते हैं। फेल मतलब इसका मतलब असली अर्थ यह है कि हार्ट का फंक्शन जो है जो नॉर्मल रहता है उससे अधिकतर कम हो जाता है। तो जब ये कम होता है तभी लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर बोलते हैं या राइट वेंट्रिकल फेलियर बोलते हैं या बाय वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हैं। आप बस ये हार्ट फेलियर ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये कि किडनी फेलियर जब होती है तो जैसे यहाँ पे मैंने किडनीज दिखाई हुई हैं छोटे से डायग्राम में, अगर आप रुचि रखें तो पेट के पीछे के हिस्से में जो है ये किडनीज होती हैं दो, और किडनी बीन्स जैसी होती हैं उसी की शेप की होती हैं और ये एकदम लिवर के थोड़ा सा नीचे आती हैं, स्टमक के पीछे रहती हैं, ठीक है। तो ये जब किडनीज जब फेल हो जाती हैं तो इनमें सूजन बढ़ जाती है, जब सूजन बढ़ती है तो अक्सर उसको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम तब होता है जब जो है आपके यूरिन में आपके पेशाब में बहुत अधिक एल्ब्यूमिन जा रहा हो, प्रोटीन जा रहा हो, यानी आप खा तो रहे हैं बादाम किशमिश बस सारा जो है प्रोटीन्स जो भी हैं आपके दाल और चावल में जो भी हैं रोटी में वो सारे के सारे जो है यूरिन के रास्ते प्रोटीन्स निकल रहे हैं जहाँ अधिकतर एल्ब्यूमिन निकलता है। तो उससे क्या सूजन बढ़ जाती है, किडनी में सूजन बढ़ती है, पाँव में सूजन बढ़ती है, फेस पे सूजन बढ़ जाती है आपके और सारी बॉडी में सूजन आ जाती है, फिर लंग्स के नीचे पानी भर जाता है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसको कहते हैं एनासार का भी हो जाता है बाद में, पेरिटोनियल फ्लूइड बढ़ जाती है ताकि पेट में भी अक्सर जो है खूब पानी दिखेगा। तो एक वो दूसरा कारण। तीसरा कारण जो है लिवर की सूजन आपने काफ़ी सुनी होगी, अक्सर जो है ये उसका कारण होता है अधिक शराब पीने से। जो बहुत ज़्यादा शराब कई वर्षों में पीते हैं तो उनको एक सिरोसिस हो जाती है, उसको कहते हैं लिवर सिरोसिस, और ये इरिवर्सिबल होती है, इसको जो है आप रिवर्स नहीं कर सकते। लिवर देखिए काफ़ी रीजनरेट कर लेता है, काफ़ी अधिकतर अपना जो है फंक्शन आपका अपना जो साइज़ वो भी अधिकतर जैसे इन्फेक्शन हो जाए कुछ हो जाए तब भी लिवर संभाल लेता है अपने आप को, मगर सिरोसिस एक बार हो जाए तो कहते हैं कि फाइब्रोसिस होने के बाद जो है उसके बाद जो है वो उसका जो है फंक्शन जो है कभी रिटर्न नहीं करता। तो अधिकतर शराब कई वर्षों से पीने से या अगर हेपेटाइटिस की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, हेपेटाइटिस ए है बी है या सी भी है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो बचपन में या किसी भी आपके जवानी में, तो ये हेपेटाइटिस जो है आपको आगे जाके सिरोसिस भी कर सकता है। तो उससे भी लिवर की सूजन से आपको पाँव पे सूजन आएगी, बदन में सूजन आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी वगैरह वगैरह। पेट में बदहजमी कई वर्षों से होती है,
और अगर अगर वो होती है तो उसको कहते हैं माल अब्सॉर्प्शन. अगर माल अब्सॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब भोजन में भी जो है आप खा रहे हैं मगर वो व्यर्थ जा रहा है, सब कुछ जो है आपके जो है बाथरूम के रास्ते से निकल रहा है, तो वो उसका प्रोटीन भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है खाने में. तो प्रोटीन जब एब्जॉर्ब नहीं होता है तो बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, तो फिर सूजन होती है. तो जहाँ जहाँ प्रोटीन की कमी होती है, जैसे यूरिन में आपने देखा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, वहाँ पर कमी होने लगी, और यहाँ पे पेट में प्रोटीन की कमी होने लगी क्योंकि आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, आप उसको जो है अपने ब्लड स्ट्रीम में नहीं ला पा रहे हैं. तो ये सारे कारण हैं, देखा ना. तो आपने हार्ट है, किडनी है, लिवर है, पेट की कमजोरी, बदहजमी, और पाँव की सर्कुलेशन. वैसे भी अगर पाँव की सर्कुलेशन भी पुअर हो जाए, उसको अधिकतर ज़्यादातर कहते हैं वैस्कुलर डिजीज, मगर वेरिकोज वेन्स भी कहा गया है. वेरिकोज वेन्स में जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, वेन्स में जो ब्लड वापस नहीं लौट रहा है, और क्योंकि ये वेल्व्स जो हैं इनके जो है वेन्स की जो वेल्व्स हैं, आपने अपनी जांघों में और पाँव में देखे होंगे कि नीली नीली जो ऊपर जो नसें चलती हैं वो वेन्स होती हैं. वो आर्टरीज अंदर चलती हैं पाँव के भीतर अंदर मसल के पीछे, मगर वेन्स जो हैं मसल के ऊपर चलती हैं ताकि स्किन के नीचे दिखती हैं वो अक्सर. और तो वेन्स जो हैं आपने देखी होंगी कि वो जो हैं जब रुक जाती हैं या इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं उनके वेल्व्स, तो वेरिकोज वेन्स कहा जाता है, और ये सूजन यहाँ बढ़ जाती है. डायबिटीज़ में अक्सर होता है कि उनके सर्कुलेशन ख़राब रहते हैं पाँव के, डायबिटीज़. हाइपरटेंशन में भी सर्कुलेशन ख़राब हो जाता है नीचे पाँव का. और स्मोकर्स में तो वैसे ही जो है उनके पाँव में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी सूजन आ सकती है. और डीवीटी कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें जो है वेन्स में जो है यहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं. तो जब ये क्लॉट्स बन जाते हैं तो उसमें भी एक और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे भी सूजन आ जाती है. मगर अक्सर वो सूजन जो है एक पाँव और दूसरे पाँव में थोड़ा फर्क रहता है, किसी पाँव में ज़्यादा रहती है, किसी पाँव में कम, तो दोनों पाँव में एक सी नहीं रहती. हालांकि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर में और या पेट की वजह से या एनीमिया की वजह से सूजन जो है दोनों तरफ बायलैटरल सिमेट्रिकल रहती है, यानी दोनों एक सी रहती हैं सूजन दोनों पाँव में. प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी तो खैर नॉर्मल अवस्था है, गर्भ अवस्था जैसे महिलाओं के लिए, मगर जब प्रेगनेंसी होती है उसमें भी सूजन, थोड़ी बहुत सूजन आना, हल्की सी सूजन आना नॉर्मल है, मगर ज़्यादा सूजन आ जाए वो प्रॉब्लम होती है. थोड़ी सी सूजन इसलिए आती है कि बच्चा जैसे अंदर पेट में बड़ा हो रहा है तो सर्कुलेशन में थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि ये वेन्स ऊपर जब ब्लड लेके ऊपर हार्ट की तरफ आ रही हैं तो आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है बीच में रुकावट होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए ट्विन प्रेगनेंसी है, बड़ी यू नो फुल टर्म या नियर टर्म पर जब जा रहे हैं तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे कहते हैं पहुँच जाते हैं, तो उस वक्त जो है वो प्रेगनेंसी में थोड़ी सी सूजन आती है. मगर ज़्यादा सूजन आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें फिर जो है आप यही कारण सारे ढूंढने पड़ेंगे और आपको सारे टेस्ट फिर से करने पड़ेंगे ताकि जो है आप उसमें जो है कुछ अगर कुछ इलाज कर सके तो करेंगे. हालांकि प्रेगनेंसी में मेडिकेशन तो देते ही नहीं है. अब आए आप जो है टेस्ट में. अब टेस्ट क्या क्या करेंगे आप सूजन अगर आ गई, तो पहले तो ECG करेंगे. ECG से तो पता कुछ तो चलेगा कि आपको एरिथमिया है, आपका हार्ट में कुछ पहले हार्ट अटैक हो चुका है, जैसे कोई नस वस रुकी हुई है उससे पहले हार्ट पहले बढ़ गया है हार्ट का साइज, और उस वजह से हार्ट फेलियर हुआ हुआ है, तो ECG तो करना ही पड़ेगा. एको भी करेंगे, कि एको इसलिए करते हैं ताकि उससे जो है आपके हार्ट के फंक्शन, वेल्व के फंक्शन, और ज़्यादातर जो है आपका जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का पूरा अंदाज़ आ जाएगा, उसके साइज़ पता लग जाएंगे क्या हैं. अगर साइज़ बड़े हुए हैं तो भी पता लग जाएगा. सूजन अंदर मसल में है जैसे हाइपरट्रोफी कहते हैं, तो उससे भी आती है सूजन. या फिर अगर वेल्व्स रिगर्जिटेंट हैं, जैसे एओर्टिक वेल्व या मिट्रल वेल्व, अगर उसमें रिगर्जिटेशंस हैं तो उससे भी सूजन आती है. तो ये सारे कारण मद्देनज़र रखते हुए एको भी होता है. ब्लड और यूरिन और स्टूल की जांच जरूर होती है, उसमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं, जैसे एनीमिया पता लग जाएगा, आयरन डिफिशेंसी पता लग जाएगी, कभी कभी कुछ कैंसर्स भी पता लग जाते हैं ब्लड और यूरिन और स्टूल्स के हिसाब से. तो कई ऐसी जांचें ऐसी हैं जो तो रूटीन में करते ही हैं, मगर उससे काफ़ी जानकारी मिल जाती है. वाइटामिन डिफिशेंसी पता लग जाएगी, आपके जो है आयरन की डिफिशेंसी पता लग जाएगी, और रक्त कम होने से भी जो है सूजन आती है, ये ध्यान रखिएगा. यानी अगर ब्लड आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उससे भी सूजन आती है. तो लिवर स्कैन भी करेंगे, क्योंकि ये है लिवर आपका राइट साइड में, ये त्रिकोण जो है ये लिवर दिखाया गया है यहाँ पर, तो लिवर स्कैन भी करेंगे और स्कैट स्कैन कर सकते हैं अगर चाहें तो. वैसे सोनोग्राम से ही काफ़ी कुछ पता लग जाता है, सिरोसिस वगैरह तो उसी से ही पता लग जाती है. किडनी में भी अगर आप सोनोग्राम करें तो पता लग जाएगा सूजन है, या रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, फाइब्रोटिक किडनीज हैं, या
हो सकता है एक ही किडनी हो या पॉलीसिस्टिक किडनी हो कहा जाता है, पैदाइशी अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उससे भी ये आगे जाके सूजन आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूजन जो है अगर कहीं भी पाँव पे आए, कहीं भी शरीर पे आए, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और ये वीडियो आप जो है इसको ध्यान में रखें ताकि जो है अगली बार जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो थोड़ा आपको जो है एक तो ज़्यादा जानकारी रहेगी और आप अच्छे से सवाल भी पूछ सकेंगे और सारी चर्चा में जो है आपको जो है इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी डॉक्टर से जब आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा यही तात्पर्य है, मेरा यही लक्ष्य है जो मैं आपको आपके समक्ष अपने अपने तजुर्बे का थोड़ा सा निचोड़ आपके सामने रखता हूँ। आइए moneymeterhealth.com को देखते रहिए, लाइक बटन ज़रूर दबाइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। हाँ, और सब्सक्राइब भी करिए मेरे moneymeterhealth.com पर, ताकि जो है हम लोग आपके जो है सवाल और जवाब भी ऐसे मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को जान सकें और बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, अगली बार फिर मिलेंगे, और शेष फिर नमस्कार।